क्योंकि नॉनवेज के सामने कौन खाता है सादा खाना। मुझे तो अभी से ही लालच लगने लगा देख के। बचपन में जब माँ मिलाती थी ना इस तरह का अचार बनाती थी तो हम लोग एक एक ऐसे लेके चुपचाप ये मिला के इसको खूब खाते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होम मेकर सपना ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। आज संडे है तो आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ। तो डेली मैं पहले उठते के साथ किचन जाती थी, लेकिन आज मैं पहले ब्रश की हूँ, अपना काम की हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगा रही हूँ। बच्चे सब सो रहे हैं तो मच्छरदानी मैंने समेट दिया है। आज झाड़ू लगाने के बाद इधर ये सीढ़ी है, सीढ़ी भी साफ़ कर दूँ। सफाई तो पूरे अच्छी तरह से करती हूँ, बड़ा घर है तो टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, तो झाड़ू लगाने में तो टाइम लगता ही है। उसके बाद फिर मैं किचन आ गई। अब मैं पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पोछा मारूंगी। अब स्लेप पे ही बैठ के मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक चाय भी बन रहा है। अब ये हमारा चाय बन गया। अब चाय को ले जाके मैं बालकनी में बैठ के पीऊँगी वहाँ हवा में। अब मैं पोछा मार लूँगी फटाफट से। ये सब बस जितना जल्दी जल्दी फास्ट दिख रहा है ना, इतना फास्ट ये काम हुआ नहीं है मेरा, बहुत टाइम लगा। हाँ, मैं कपड़े डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, उसके बाद मैं जाके नहा लूँगी। ये मेरा हो गया, मैं नहा ली। अब सारा कपड़ा मैं बालकनी में डाल दी हूँ। अब ठीक ठाक से थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, ये भी ज़रूरी है। हम नहा लिए हैं, सब काम मेरा हो गया। सब काम नहीं, अभी खाना बनाना बाकी है थोड़ा सा। अभी बैठे हैं बच्चों के साथ। ये मेरी बेटी है, नहाने जाएगी आज। ये खुद से आयरन करी, जलाई क्या? नहीं तो क्या जल गया, रबर पे रखा। तो ये ट्राई कर रही है, पहली बार आयरन कर रही है। ये आयरन करके पढ़ने की। ये रहा मेरा बेटा, ये आज मन से पढ़ाई कर रहा है। वैसे तो ये कंप्यूटर पे ही बैठा रहता है हमेशा, बट आज ही बुरा लगा, बुरा भी लग रहा है इसको, इसका शिकायत भी नहीं करना है। तो चलिए, बहुत हो गया बच्चों से बातचीत, तो अब मैं चलती हूँ किचन, क्योंकि अभी खाना बनाना बाकी है। अभी तो बस ये, जब मैं नहाने गई तो मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे। तो खुद से ये देखिए, ब्रेड ख़त्म, ब्रेड सेक लिया था। मेरी बेटी करती है, दोनों मिलकर किया है। चाय बना लिया अपने लिए, दोनों ब्रेकफास्ट कर लिया, ये अच्छी बात है। तो मैं टेंशन फ्री हो गई। और मैं नहाने जाने से पहले मैं देखिए ये आलू उबाल के रखी थी, तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी। अब मैं नाश्ता तो कर ही ली, मैं दूध चूड़ा खाई थी आज। संडे है तो कुछ तो एंजॉय होना चाहिए ना, नहीं तो बाकी तो डेली काम 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 ही होते रहता है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं दम आलू और चावल बनाने वाली हूँ। उसके बाद चलिए, तो ये तो बनते रहेगा तो मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, ये है आम, छोटा सा आम है, छोटा छोटा जो होता है ना, ये वही है। ये देखिए बहुत सारा है यहाँ रखा हुआ। इसको हम लोग अमौरी बोलते हैं, बहुत जगह इसको टिकोला भी बोलते हैं, हम अपने भाषा में इसको अमौरी बोलते हैं। तो आज मैं इसका अचार बनाऊंगी, छील के अचार क्या है, जो छोटा छोटा आम का जो बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कसौंधी। तो आज मैं बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब आम में गुठली होता है तो उसका अचार बनता है, और जब इसमें अभी गुठली नहीं है तो छील के बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कसौंधी। तो जब बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे। अभी मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर जब स्टार्ट करूँगी ये आम का काम तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। यहीं कुछ दूर में मेरी एक भाभी रहती है, वो कुछ भेजी है, देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या है? अरे वाह, मछली, मछली भेजी है।
उसको आप बहुत बार देखे होंगे, वीडियो में दिखाते रहती हूँ। मीनू है वो, हमसे छोटी है वो भाभी। देखिए भेज दी ना, इसलिए जरूरी है, मेहनत भाभी है। आप देखिए मछली भेज दी। ऐसे तो हम सब्जी और चावल बनाए थे, दम आलू और चावल बताए थे आप लोगों को, बट अब तो मछली आ गया तो वो तो मेरा बच ही जाएगा, क्योंकि नॉनवेज के सामने कौन खाता है सादा खाना। तो अब तो हम लोग सब यही चलेगा, ये थोड़ा बहुत तो टेस्ट कर लेंगे अपना सब्जी भी। तो फिर अब निकालते हैं खाना। ये रहा मछली, ये रहा मेरा सब्जी, दम आलू, और ये सिर्फ सब्जी भात था। और देखिए कितना वैरायटी हो गया मेरे खाने में। टेस्ट करके देखते हैं। हम अपना सब्जी भी टेस्ट कर लेते हैं। मेरा सब्जी भी बुरा नहीं है, पर मछली के सामने थोड़ा तो फीका हो ही जाता है। मछली का मुझे ये सर बहुत अच्छा लगता है मछली का, तो उसको पता है तो मेरे लिए भेजी है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये आम का काम। इसको हम पहले छीलेंगे, तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे इसको हम। ये हम कुछ आम ले लिए हैं, इसको हंसुआ से पहले इसका छिलका उतारेंगे। आप चाकू यूज कर सकते हैं, मुझे इससे ज़्यादा आसानी होता है तो हम हंसुआ से ही छीलते हैं। तो इस तरह से छीलना है, इसका ऊपर का ग्रीन ग्रीन जितना छिलका है ना सब उतार देना। इसका जो ऊपर का क्या बोलते हैं, जो डाली में लगा रहता है, मुंडी बोलते हैं हम लोग इसको, इसको भी बढ़िया से काट देना। इससे आसानी से छिला जाता है। उससे नहीं आता तो ये छीलने वाला होता है, जिससे आलू हम लोग छीलते हैं। और इजी छीलना, इससे भी आप बारी छील सकते हैं सबको। अब इसका ऊपर का जो है उसको थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरा में पानी लेंगे और इस सारा हमको उसमें धुल देंगे इस तरह से, और इसको हम जाके धूप में रख देंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, पानी का अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी। ये देखिए हम धूप में रख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तब तक हम इधर किचन आ गए। इसमें देखिए गैस जलाए, इस पर तवा रखे हैं, इस पर ये धनिया डाले, इसका मसाला बनाएंगे अभी हम। ये 2 चम्मच धनिया डाले हैं, इसको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं। फिर मिर्ची डाल लिए, थोड़ा ज़्यादा डाल लिए, कम कर दे रहे हैं, नहीं तो तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा अचार। ये देखिए थोड़ा थोड़ा काला हो जाएगा मिर्ची, फिर हम छोड़ देंगे। हो गया ये सब। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिए, अब इसको भी थोड़ा सा उला लेंगे। ये हो गया। अब हम गैस को बंद कर दिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा रहेगा, बहुत ज़्यादा में ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा गोलकी भी डाल दिए हम बाद में। अब ठंडा होने देंगे, फिर मिक्सी में पीसेंगे। इसमें हम सरसों भी डालते हैं अचार में, तो हम थोड़ा सा मिक्सी में सरसों भी पीसेंगे। क्वांटिटी कितना होना चाहिए अभी मैं बताती हूँ। ये इतना है, देखिए 1 छोटी चम्मच से ना, बस 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो तीखापन आ जाता है अचार में, तो मुझे बस इतना ही पीसना है।
पानी नहीं रहना चाहिए। ये अच्छी तरीके से सूख गया, नहीं सूखे इसको कपड़े से भी हल्का हल्का पोंछ सकते हैं। तो इसको चार का इसका ये देखिए जो अंदर का है इसको निकाल लेंगे। ज्यादा बड़ा है तो एक हाथ और कर लेंगे, ऐसे ये गल जाता है, गल के बहुत कम हो जाता है, इतना भी दिख रहा है ना। बड़ा को छह का और छोटा को चार, ये जो साइज खराब है इसको निकाल देते हैं। इसी तरह बारी बारी सभी को गया। अब हम पहले इसमें नमक डालेंगे। नमक अगर ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बट कम नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह काफी है। और ये हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत जरूरी है और डाल देते थोड़ा सा, क्योंकि ये हल्दी से खराब नहीं होता है। और ये जो हम सरसों पीसे थे ये वही सरसों है, तो ये बहुत ज्यादा लगता हो जाएगा तो हम ज्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डालते हैं इतना बस। और ये मसाला जो अभी हम तवा पे जो गरम किए थे, धनिया जीरा और ये मिर्च था, ये वो मसाला, इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं लगता है, ये भी ज्यादा ही है बस। और ये है पचफोरन, ये भी डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से आप इसमें जो डाले हैं नमक वो पानी छोड़ेगा। ये तेल है सरसों का, इसको हम थोड़ा सा पहले गरम कर दिए थे, गरम करके फिर इसको ठंडा कर दिए, उसके बाद हम इसमें इसको डालेंगे, डाल ही देते हैं सारा, तीन से चार चम्मच इसको। बस हो गया ये हमारा अचार तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें नहीं छोड़ेंगे, स्टील के बर्तन में खराब हो जाता है, बस सिर्फ मिलाने के लिए है। नमक में फिर पानी छोड़ेगा अपना, तो साथ में ये गलेगा। प्लास्टिक का है, इसी में मैं इसको डाल दूंगी। इसको धो के अच्छी तरह से धूप में इसको भी सुखा दिए हैं, पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे और धूप में रख देंगे, तो एक सप्ताह के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। हम हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं, वो नहीं हो पाया था चम्मच से बढ़िया से, इसलिए हम हाथ से मिला देंगे। अच्छी तरीके से मसाला मिलाना,
मुझे तो अभी से ही लालच लगने लगा देख के। बचपन में जब माँ मिलाती थी ना इस तरह का अचार बनाती थी तो हम लोग एक एक ऐसे लेके चुपचाप ये मिला के इसको खूब खाते थे खट्टा। अब तो उतना नहीं खाया जाता है बट इसको खूब खाते थे। ये हो गया, थोड़ा अपना हाथ साफ कर लूं। इसको कुछ देर हम धूप में छोड़ देंगे। ये कल ही पानी रात भर में पूरा पानी छोड़ देगा, ये पानी छूट जाएगा उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। फिर इसका ढक्कन है बाद में लगा के हम रख देंगे। अभी इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारा अचार बनाने का तरीका, मतलब कसौंधी अमौरी का? बहुत इजी है, बहुत आसान है, एक सप्ताह में बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। एक सप्ताह के आप दो दिन के बाद परसों से ही इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। बस क्या है कि वो आम जो है वो गलने भर की देर है, वो थोड़ा सा गल जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम अलग अलग चीज़ें लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।